दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में राज्य का नवा बजट पेश किया। ये बजट 78,800 करोड़ का रहा। बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए 16,575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकारी स्कूलों और टीचर्स को नए टैबलेट दिए जाएंगे। हर सरकारी स्कूल को 20 नए कंप्यूटर दिए जाएंगे। साथ ही स्कूलों में अब फ्रेंच, जर्मन, जापानी और स्पेनिश भाषा भी पढ़ाई जाएगी। वहीं 100 नए महिला मोहल्ला क्लिनिक भी खोले जाएंगे। फ्री में होने वाले मेडिकल टेस्ट की संख्या 200 से बढ़ाकर 450 कर दी गई है। इसके अलावा 9 नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 4 इसी साल चालू हो जाएंगे। हॉस्पिटल में बेड की संख्या 14,000 से बढ़ाकर 30,000 हो जाएगी। हेल्थ सेक्टर के लिए 9,772 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए 3500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस साल के आखिर में 1600 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को मिलेंगी। 2025 तक सिटी ट्रांसपोर्ट में 10,000 से ज्यादा बसें होंगी। इसमें से 80% बसें इलेक्ट्रिक होंगी। मौजूदा 57 बस डिपो का भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। 3 ISBT, 2 मल्टी लेवल बस डिपो और 9 नए बस डिपो बनाए जाएंगे। दिल्ली में 2180 इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसें चलाई जाएंगी। ये दूर दराज के इलाकों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ेंगी। एक और खास बात यह है कि 2 साल के भीतर दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ साफ कर दिए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला डंपिंग यार्ड, मार्च 2024 तक भलसवा डंपिंग यार्ड और दिसंबर 2024 तक गाजियाबाद डंपिंग यार्ड साफ हो जाएगा। इसके लिए MCD को 850 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय निकायों को 8,241 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस साल 26 नए फ्लाईओवर, अंडरपास और ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए 722 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों को सुंदर बनाया जाएगा। इस पर 2000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। यमुना साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सभी कॉलोनियों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 6 पॉइंट प्लान बनाया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने स्पीच के शुरुआत में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को याद करते हुए भगवान राम बताया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा खुशी होती। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तब भरत ने सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रख कर राज किया था, वैसे ही मैं करूंगा। अगला बजट मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे। कैलाश गहलोत ने सरकार की उपलब्धियों पर बात करते हुए बताया कि बीते 8 साल में हमने दिल्ली का चेहरा बदला है। इस दौरान 28 फ्लाईओवर बनाए गए और बिचौलिया राज खत्म किया। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क को दोगुना किया गया, 193 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ा है। ये बजट दिल्ली के लिए जरूरी है क्योंकि हम G20 की मेजबानी कर रहे हैं। ये बजट साफ, सुंदर और मॉडर्न दिल्ली के लिए डेडिकेटेड है। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में भी 14% का इजाफा हुआ है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 3,91,000 थी, जो अब 2022-23 में बढ़कर 4,44,778 हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।